दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। टाइटैनिक है या मौत का कुआं, जिसे देखने गए लोग भी जिंदा नहीं रह पाए। जी हां दोस्तों, सालों पहले टाइटैनिक जहाज कितने भयानक तरीके से डूबा था ये तो आप भी जानते हैं, जिसने कई लोगों को बेमौत मार दिया। ऐसे में 5 लोग जब टाइटन नाम की पनडुब्बी में उसका मलबा देखने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहली बात तो ये कि ये पनडुब्बी जरूरत से ज्यादा छोटी थी, जिस पर ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था। अब ऐसे में क्या हो जब ये पनडुब्बी पिचक जाए, आप सोच भी नहीं सकते इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये खौफनाक हादसा हुआ कैसे? कैसे एक हादसे में डूबे जहाज के मलबे को देखने गए लोग खुद ही मौत का शिकार बन गए? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी देश दुनिया की जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, पानी के अंदर सैर सपाटा करने गए थे, इतिहास में हुए इतने बड़े हादसे के गवाह बनने गए थे, वो 5 लोग बहुत ही बुरे तरीके से मारे गए, और वो सभी लोग काफी अमीर थे, क्योंकि टाइटैनिक को देखने की जो टिकट थी वो करोड़ों रुपए की थी। करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अफसोस ये लोग कुछ भी देखने लायक ही नहीं बचे। और सबसे ज्यादा डर तो इस बात का था कि इनकी मौत बहुत दर्दनाक और धीरे धीरे होने वाली थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस पनडुब्बी में ये लोग बैठ कर गए थे वो अंदर से कितनी छोटी है, जिसमें ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, और इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन होती है जो मुश्किल से 96 घंटे ही अंदर बैठे लोगों को जिंदा रख सकती है, और ये लोग कई दिनों से नहीं आए थे। इसलिए कई सारे न्यूज आउटलेट ने बताना शुरू कर दिया कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये लोग मारे जाएंगे। पर दोस्तों, इन 5 लोगों के मरने के पीछे की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि ये पनडुब्बी इम्प्लोड हो गई। अब आप बोलेंगे भला इम्प्लोड क्या होता है? तो दोस्तों, जब आसपास के प्रेशर की वजह से कोई चीज पिचक जाती है तो इसे इम्प्लोड कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई बार पानी की बोतल पिचक जाती है, जिसका जीता जागता नमूना आप सामने देख सकते हैं कि कैसे अच्छे खासी खड़ी हुई ट्रक पिचक जाती है। और टाइटन पनडुब्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक भयानक दबाव के कारण वो पिचक गया होगा, जिसके बाद पानी अंदर आना शुरू हो गया होगा, और आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो कोई भी बैठा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का असल कारण क्या है? तो दोस्तों, इम्प्लोजन का असली कारण है प्रेशर। जैसे कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और एयर प्रेशर तो होगा ही नहीं। जब आप बहुत ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर बहुत कम प्रेशर होगा, और उसी तरह जब आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो एक टाइम पर आकर जैसे ये लोग चले गए 13,000 फीट से भी नीचे, तो एक टाइम पर आकर अगर एक छोटा सा एरिया, जैसे कि एक स्क्वायर मीटर का छोटा सा एरिया, तो उस पर 4,000 टन का लगातार प्रेशर लगता रहेगा। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए, इतना सारा पानी और उसके बिल्कुल गहराई में आप एक सोडा का कैन डालते जा रहे हैं, और अगर उस सोडा के कैन में एक भी दरार आ गई तो उसी समय वो सोडा का कैन ज्यादा प्रेशर की वजह से पिचक जाएगा, खासतौर पर तब जब वो अंदर से ज्यादा न भरा हो। और यहां पर भी यही हुआ होगा, पनडुब्बी में कोई ना कोई नट बोल्ट या कुछ ढीला रह गया होगा, या फिर कोई क्रैक आ गया होगा, और फिर उसके बाद ये दुखद घटना हो गई जिसने पनडुब्बी के अंदर बैठे 5 के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मिलिट्री की भी पनडुब्बी होती है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? तो दोस्तों हाँ, अगर सबमरीन में कोई गड़बड़ी आ गई, कोई क्रैक आ गया, तो इसी तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये काम काफी रिस्की होता है, क्योंकि समुद्र के नीचे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको झेल पाना हर किसी के बस की तो बात होती नहीं है।
इसलिए जब सबमरीन बनाई जाती है तो उन्हें बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि पानी का जितना भी प्रेशर है वो सबमरीन झेल पाए। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, अगर कोई इंसान पानी की इतनी गहराई में बिना किसी सबमरीन के तैरता हुआ चला गया तो बीच रास्ते में शरीर की नसें फट जाएंगी, सारी मसल्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और इतनी गहराई में पहुंचने से पहले ही इंसान की मौत हो जाएगी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना ज्यादा रहता है। वैसे दोस्तों इस हादसे में मरने वाले लोगों की मौत सच में बहुत बदकिस्मती से हुई, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लोग हुए हैं जो टाइटैनिक के मलबे को देख चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है टाइटैनिक फिल्म को बनाने वाले जेम्स कैमरून का, जिन्हें आप जानते ही होंगे। इनकी मूवी काफी ज्यादा हिट है, हर किसी ने टाइटैनिक मूवी देखी है और उसे टाइटैनिक जहाज के ऊपर ही बनाया गया है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए फिल्म के मेकर जेम्स कैमरून ने पूरे 30 बार पानी के अंदर जाते हैं और टाइटैनिक को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं। तब जाकर उन्होंने इतनी मास्टरपीस फिल्म बनाई जो आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। और जब उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला तो जेम्स कैमरून ने खुद ये बात कही कि जिस पनडुब्बी में वो पांचों लोग गए थे वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, उसका आकार काफी अजीब था और साथ ही उसमें कई सारी दिक्कतें देखी जा सकती थी। लेकिन जेम्स कैमरून जिस सबमर्सिबल में बैठकर गए थे वो काफी ज्यादा सुरक्षित था, उसे सारे मापदंड लेकर तैयार किया गया था। दोस्तों इस हादसे के बारे में सुनने के बाद जितना ही बुरा लग रहा है उतना ही अजीब भी लग रहा है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं उन्हीं करोड़ों रुपयों को खर्च करके लोग एक डूब चुकी जहाज के मलबे को देखने के लिए जाते हैं और फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आ पाते। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बनी हुई है, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।